हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आई हूँ वाइट सॉस की रेसिपी। तो ये मैंने ऐसे ही जल्दी से बना दिया रेसिपी। तो इस कढ़ाई को गर्म कर लिया, इसमें डाल दिया है बिना सॉल्ट वाला बटर, और इसमें बटर डाल दिया मैंने। बटर पिघल जाए तो उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच मैदा। मैंने थोड़ा सी सॉस बनाया है। तो बटर हो चुका है गर्म, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं, आप कितना सॉस बना रहे हैं उस हिसाब से। मैं यहाँ कम बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है। तो 1 चम्मच ले लिए, इसको लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल, नहीं तो ये जल जाएगा तो बहुत ख़राब हो जाएगा टेस्ट पूरा। इसको लगातार चलाना है, आँच को देखिए बिल्कुल सिम पे रखना है, इसको तेज नहीं करना है। तो मैं जो है ना बहुत दिन से रेसिपी डाल नहीं रही थी, आज मैंने पता नहीं कैसा मूड बन गया, डाल दिया मैंने जल्दी से बना के। तो ये झटपट वाली रेसिपी है, मेरी तबीयत सही नहीं ना इसलिए मैं बना नहीं रही कुछ दिन से कुछ भी। तो ये हल्का सा ब्राउन हो गया, ब्राउन नहीं करना मतलब इसका जो कच्चापन है ना मैदे का तो ये चला जाना चाहिए। तो ये स्मेल करके देख लीजिए, कच्चापन चला गया है। तो मैं इसमें अब दूध ऐड कर दी हूँ। दूध मैंने लगभग 1 कप ऐड की हूँ, छोटा कप का, चाय के कप के बराबर। तो मतलब जिस हिसाब से आप मैदा ले रहे हैं, बड़ा टेबल स्पून का छाल ले रहे हैं तो आपको 1 लीटर तो दूध लगेगा, 1.5 लीटर लगेगा। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा सॉस बना रही थी इसलिए मैंने 1 कप इस्तेमाल की हूँ दूध। तो इसमें मैंने डाला है अभी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, यहाँ मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और इसमें डालूँगी मैं ओरिगानो। ये देखिए सादा ओरिगानो है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 1 चम्मच के बराबर। तो इसको मैंने डाल दिया, अब इन सबको चला दूँगी जल्दी से। तो बस इसको 1 मिनट के लिए बस इसे पकाना है, उसके बाद बंद कर देना। मेरी तो कढ़ाई घूम ही जा रही है पूरी। तो मैंने अपनी कढ़ाई को ठीक किया और यहाँ से थोड़ा सा और दूध की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने थोड़ा सा और दूध डाला क्योंकि ज़्यादा थिक हो रहा था। तो मैंने इसमें डाल दिया दूध और इसको चला दी। तो 1 मिनट हो चुके हैं लगभग। तो ये बन के तैयार हो चुका है, तो मैं इसको अब चेक कर रही हूँ हुआ कि नहीं हुआ। हो गया है, अच्छे से ठीक हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर दी हूँ, बंद हो गया गैस। अब इसमें जो लगा है मैं इसे चम्मच से निकाल लूँगी, इसको चम्मच से चला के दिखाऊँगी कैसे बना। देखिए कितना अच्छा सॉस बना है, देखिए वाइट सॉस बहुत अच्छा लगता है पास्ता के साथ, या बेक वेजिटेबल बनाए ना तो उसके साथ बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप बनाइए, ट्राई करिए, मुझे बताइए कैसे बना आपके घर में, तो कमेंट करके बताइए। चैनल को मेरे सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर भी करें वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो।